सस्पेंड कर दिया गया है। लगातार क्रिकेटर्स के संक्रमित होने की खबर आ रही थी और उसके बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आईपीएल को सस्पेंड करने की ये जानकारी दी है। लगातार आप ये देख रहे थे कि रिद्धिमान साहा और इसके अलावा केकेआर के भी जो खिलाड़ी थे कोरोना संक्रमित पाए गए। उसके बाद आरसीबी के खिलाफ जो उनका मैच था उसको टाला गया और अब इस वक्त की बड़ी खबर यही है, आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग उसका करंट सीजन, मौजूदा सीजन, उसे सस्पेंड कर दिया गया है। सस्पेंड करना पड़ा क्योंकि कई खिलाड़ी कोरोना संक्रमित हो गए। हालांकि लगातार इस बात पर सवाल उठ रहे थे, देश जब कोरोना के खिलाफ एक बड़ी जंग लड़ रहा है, युद्ध लड़ रहा है, तो फिर आईपीएल की जरूरत क्या है। और अब आप तक हम ये बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं जी न्यूज पर कि इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2021 को सस्पेंड कर दिया गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आईपीएल को सस्पेंड करने की जानकारी दी है। मेरे सहयोगी अंकुर त्यागी इस वक्त हमारे साथ हैं। अंकुर, लगातार सवाल उठ रहे थे आईपीएल के मैचेस को लेकर, और जिस तरह से हमने देखा बीते दिनों में, बीते हफ्ते में अगर बात करें, बड़ी संख्या में क्रिकेटर्स के संक्रमित होने की खबर आई, उसके बाद कहीं ना कहीं इसका अंदेशा था और ये हुआ है। लगातार ये बात की जा रही है और आईपीएल अपनी तरफ से कहता रहा कि हम एक बबल बना रखा है, हम हर उस सुरक्षा बबल है, सिक्योरिटी बबल है, उसमें हम सिक्योरिटी में बिल्कुल चूक नहीं करते हैं। हर खिलाड़ी का हर हफ्ते दो दिन के अंदर वैक्सीन जो ट्रीटमेंट होता है या फिर जो उनका टेस्ट होता है, और इस तरह की तमाम बातें हो रही थी। उसके बावजूद लगातार कई खिलाड़ियों का इसमें पॉजिटिव पाया जाना, और आज अमित मिश्रा दिल्ली की तरफ से खेलते हैं वो भी पॉजिटिव पाए गए हैं, विद्वान जो साहा है जो सनराइजर्स की तरफ से खेलते हैं वो भी पॉजिटिव पाए गए हैं, और इससे पहले भी हमने देखा है। और न केवल ये बल्कि कई विदेशी खिलाड़ी आईपीएल छोड़कर जाने की बात भी कर चुके हैं, और ऐसे में लगातार आईपीएल को बनाए रखना है कि अपने आप में चुनौती भी होती। और जो सबसे बड़ी बात, जो सवाल खड़ा किया जा रहा था मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी का, जिस देश में आईपीएल, जिस देश में जो कोरोना का कहर इतना ज्यादा हो, वहां पर मनोरंजन और बिजनेस मॉडल के आधार पर आईपीएल को चलाए रखना कितना सही होगा। और यकीनन तौर पर एक दबाव था जो आईपीएल के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, तो आज ये फैसला लिया गया है, वो भी तब जब उनके खिलाड़ी लगातार हर टीम से पॉजिटिव सामने आते जा रहे हैं। बीसीसीआई द्वारा क्या कुछ कहा गया अंकुर, उसके क्या डिटेल्स है, क्या कहा बीसीसीआई? फोन बढ़िया, हमारा संपर्क टूट गया है अंकुर के साथ। कपिल वशिष्ठ इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। कपिल, लगातार सवाल उठ रहे थे, बार बार संवेदनहीनता की बात की जा रही थी, कहा जा रहा था युद्ध स्तर पर ये लड़ाई हो रही है कोरोना के खिलाफ और आप क्रिकेट मैचेस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, लेकिन जितनी बड़ी संख्या में क्रिकेटर्स संक्रमित हुए उसके बाद ये होना लाजमी ही था। बिल्कुल अदिति, देखिए जिस तरह से लगातार सवाल उठ रहे थे, लगातार सोशल मीडिया पर कम से कम इस तरह की तस्वीरें लगातार सामने आ रही थी कि लोग कह रहे थे कि एक तरफ देश में जिस तरह से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, जिस तरह से लोगों की मौतें हो रही हैं, उसके बाद खेल इस तरह से कैसे जारी रह सकता है, एक साथ ये दोनों काम कैसे हो सकते हैं, तो उस बात को लेकर भी दबाव यकीनन था। बायो बबल की बात कही गई थी, लेकिन उसके बावजूद खिलाड़ियों तक कोरोना पहुंचा, और देखिए अभी भी डॉक्टर्स इस बात को लेकर बटे हुए दिखाई दे रहे हैं कि एयरबॉर्न हुआ है, वाकई नहीं हो गया है, तो ये बहुत सारे सवाल ऐसे हैं, यकीनन है। और जिस तरह से इस लीग के शुरू होने से पहले कहा गया था कि जो स्टेडियम होगा, खिलाड़ी स्टेडियम पहुंचेंगे, डायरेक्ट वहां से होटल पर जाएंगे और पूरा बायो बबल रहेगा और कहीं पर कोई ब्रीच नहीं होगा, लेकिन हमारे देश में आप जानते हैं अदिति किस तरीके से जो पुराने एसोसिएशन के जो लोग होते हैं उनको आप नहीं रोक सकते अंदर आने से, तो कहां पर ये किस स्तर पर ब्रीच हुआ है ये बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरीके से एक के बाद एक खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव हो रहे थे, उसके बाद ये चिंता लगातार बढ़ रही थी कि भाई क्या ये बायो बबल टूट गया है, क्यों, कौन से खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने कहीं ब्रीच तो नहीं हो गया है, कैसे हो गया, एयरबॉर्न होकर आ गया, तो इस पर सवाल लगातार उठ रहे थे। और आज ये फैसला बीसीसीआई ने आखिरकार ले लिया, जिस तरह से कल का मैच चला, जिस तरह से आज का मैच टाला गया पहले, तो उसके बाद ये लग रहा था कि ये बड़ा फैसला बीसीसीआई को लेना होगा था, क्योंकि देखिए दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्टिंग लीग ये बन चुकी है, तो पूरी दुनिया की नजरें इस पर थी, दुनिया भर से खिलाड़ी आए हुए हैं। अब किसी ने अच्छा उदाहरण आप दिया, आप देखिए कि किसी खिलाड़ी को भगवान ना करे चोट लग जाए, हार्ड बॉल है, ठीक है, आप खेल रहे हैं बॉल के साथ, कुछ भी हो सकता है, कई खिलाड़ियों को हमने पहले ऐसे इंसिडेंट ऐसे देखे हैं, आप उसे कौन से हॉस्पिटल में लेकर जाएंगे आप बताइए, सभी हॉस्पिटल्स आउट ऑफ स्टॉक है, आउट फुल है पूरी तरीके से, कौन से हॉस्पिटल में आप खिलाड़ी को लेकर जाएंगे?
और उसके अलावा कपिल रिसोर्सेज को लेकर भी सवाल थे क्योंकि बहुत ज्यादा रिसोर्सेज एलोकेटेड थे। साथ ही अंकुर यहां पर मैं समझना चाहती हूँ, सस्पेंड किया गया है, सस्पेंड किया गया है कि आगे को लेकर भी कोई इंफॉर्मेशन? इस वक्त की बड़ी खबर यही है, आईपीएल 2021 को सस्पेंड किया गया है। बीसीसीआई की तरफ से क्या और भी जानकारी साझा की गई है? ये देखते हुए सस्पेंड किया गया कि बड़ी संख्या में खिलाड़ी जो है वो कोरोना संक्रमित हुए हैं, चाहे वो सीएसके के हों, केकेआर के हों या फिर दिल्ली कैपिटल्स के हों। Here's a secret. You can pay your credit card bills on Cred and earn Cred coins. Use them to claim cashback and reward. लेकिन राजीव शुक्ला है, वाइस प्रेसिडेंट है वो बीसीसीआई के, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इस सीजन के लिए आईपीएल का यहां पर सस्पेंड किया जा रहा है। इसके बाद इसके आगे क्या ये रूपरेखा रहेगी, क्या विंडो बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, सीजन के मायने क्या होते हैं, अभी ये पर्टिकुलर सीजन में इसको बंद किया जाएगा, क्या आने वाले साल में इसका कोई अल्टरनेटिव ढूंढ के लाती है, क्योंकि इसके साथ एक बहुत बड़ा रेवेन्यू मॉडल जो जुड़ा हुआ है जिसको लेकर लगातार बीसीसीआई हमेशा से कंसर्न रही है। और यही दबाव था क्योंकि जो टीवी राइट्स हो रहे या फिर जो दूसरे तरीके के एडवर्टाइजर्स हैं उसको कहीं ना कहीं बीसीसीआई नहीं छोड़ना चाह रही थी, और इसीलिए शायद बीसीसीआई ने इतने दिनों तक रोके रखा अपने आप को कि आईपीएल को सस्पेंड ना किया जाए। लेकिन दबाव लगातार काम आया कि दबाव लगातार उस बात पर आ रहे थे कि किस तरीके से उनके जो एक एक करके प्लेयर है, जैसे मैंने आपको बताया कि अमित मिश्रा आज कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, इसके अलावा विद्यमान साहब भी बहुत पॉजिटिव हो गए हैं, ऐसे में आप कहां तक इस चीज को आगे कंटिन्यू कर पाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल था। मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो देश को लेकर बनती ही है आपकी, आप मुंबई जैसे शहर में या दिल्ली जैसे शहर में या दूसरे शहरों में अगर आप आईपीएल आयोजन करवा रहे हैं जहां पर लगातार मरीज सड़क पर ही मर रहे हैं, आप कैसे इस चीज को कंटिन्यू कर रहे हैं? लगातार इस बात पे मोरल ग्राउंड पर सवाल उठ रहे थे। और साथ ही कपिल हमने ये भी देखा, बायो बबल को लेकर बहुत कुछ कहा गया, बहुत सारे दावे किए गए, लेकिन जितनी बड़ी संख्या में हमने ये देखा बीते दिनों में रिपोर्ट्स आई, खबरें आई कि किस तरह से पॉजिटिव हो गए, कोरोना पॉजिटिव हो गए खिलाड़ी, वो अपने आप में वो भी अपने आप में चिंता बढ़ाने वाली एक खबर है। बिल्कुल, आप देखिए ये कहा गया कि वो कौन सा खिलाड़ी है जो ये कहेगा कि मैं आईपीएल से बाहर होने का फैसला करता हूं। ये मैं शुरुआती दौर की बात कर रहा हूँ जब आईपीएल सीजन शुरू हो रहा था। इतना दबाव है टीम्स का कि कौन खिलाड़ी ये कहेगा खड़े होकर कि नहीं मेरे परिवार में दिक्कत हो सकती है, मुझे वहां जाना पड़ सकता है, मुझे फैमिली को सपोर्ट करना है, कौन खिलाड़ी कहेगा? जो बोलेगा उसको बाहर होने का खतरा रहा होगा। आप देखिए अश्विन ने ट्वीट किया, ये दिखाता है किस तरीके से वो उस स्तर पर गए होंगे कि उनके परिवार के कुछ लोग या उनके करीबी कुछ लोग हॉस्पिटलाइज हुए, बीमार हुए या दिक्कत हुई, तो ये दिखाता है दरअसल कि खिलाड़ियों पर भी कितना दबाव है, क्योंकि ये आप देखिए देयर इज नो बिज लाइक शो बिज, तो कौन इस हजारों करोड़ के बिजनेस के खिलाफ बोलेगा? लेकिन अब बड़ा सवाल ये कि क्या आपने इतने सारे खिलाड़ियों को स्टेक पर नहीं रख दिया, उनकी हेल्थ को स्टेक पर नहीं रख दिया? अब आप शुरू नहीं करते, दुबई जाकर करते, कहीं और करते तो वो अलग बात होती जैसे पिछले साल आपने किया था, लेकिन अब आपने देश में करने का फैसला किया ये जानते हुए कि सेकंड वेव आ रहा है और लगातार स्ट्रांग हो रहा है। अब आप करते गए, आगे बढ़ते गए, लेकिन वो बायो बबल टूटना था। आप देखिए ये कोरोना का वायरस अब ऐसा हो चुका है कि आप 70 खिलाड़ी आपने खड़े किए हुए हैं और वो ड्रिबल करके निकल जा रहा है, तो किसी को नहीं पता कहां से ब्रीच हो रहा है, कहां से आ रहा है, एयरबॉर्न है नहीं है, तो खिलाड़ियों पर भी ये प्रेशर था। अदिति यकीनन इस बात को आप मानिए कि कोई नहीं बोलेगा, लेकिन कहीं किसी के घर में अगर कोई दिक्कत हो रही है, करीबी कोई प्रॉब्लम में जा रहा है, तो खिलाड़ी बोलकर जा रहा है कि नहीं मुझे जाना होगा। तो अश्विन ने वो फैसला पहले किया, वो ट्वीट किया उन्होंने और वो निकले आईपीएल से, उसके बाद एक अंपायर को दिक्कत हुई, वो अंपायर निकले और अब देखिए हालात यहां तक पहुंच गए। कपिल और अंकुर त्यागी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर यही है, आईपीएल 2021 को सस्पेंड कर दिया गया है।